देखो ये वाला क्वेश्चन करो, एक कर्नो इंजन है जिसकी इफिशियंसी आपको दी हुई है, इफिशियंसी 1/10 है कर्नो इंजन का। इसको मैं एज ए रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा हूँ और रेफ्रिजरेटर के केस में वर्क डन आपको 10 जूल दिया हुआ है। तो हीट फ्रॉम द रिजर्वर ये होता है Q2। रेफ्रिजरेटर के केस में रेफ्रिजरेटर ऐसे होता है, ये होता है Q2, ये होता है Q1। Q1 वो होता है जो रूम या इन्वायरमेंट रेफ्रिजरेटर के केस में, और Q2 या T2, यहाँ T1, तो ये होता है फूड मटेरियल या कंटेंट, मिल्क जो भी रख दो, दूध पानी जो भी रख दो, यहाँ पे वो फूड मटेरियल होता है। और इस पे एक बाहर से वर्क डन किया जाता है W। ये W वर्क डन इससे हीट एनर्जी निकालेगा और इन्वायरमेंट को ट्रांसफर करेगा, दैट इज द रेफ्रिजरेटर। अब जो हीट इंजन है उसका तो कॉन्सेप्ट यार बिल्कुल उल्टा होता है इसके। यहां से वर्क डन ये Q1 है और ये Q2 है और ये वर्क डन W है, तो Q1 आया, वर्क डन W या जो बच गया Q2, ये हमको पता पहले से, बट फिर भी मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताने के लिए समझा रहा हूँ। तो बीटा दिया हुआ है, अब अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वर Q2 कैलकुलेट करना है, W दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता यार, जब तक मुझे इस फ्रीज के बारे में एक ही वेरिएबल, दो वेरिएबल है देख रहे हो, W हमें निकालना पड़ेगा कुछ इसका, Q1 या तो निकालूं या नहीं तो इसकी इफिशियंसी बीटा निकालूं। इसकी इफिशियंसी जो बीटा है वो डिसाइड किया जाता है, वो जो निकाला जाता है बीटा, हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय वर्क डन। इसका मतलब यह हुआ कि Q2 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाई बीटा। ये हमें आइडिया मिल गया यहाँ से कि अब अगर मैं जो बीटा है फ्रिज का जो बीटा है वो मुझे पता चल जाए, क्योंकि इधर ईटा दिया हुआ, तो ईटा और बीटा आपस में रिलेटेड होते हैं, हम लोग करके आए होंगे, पढ़े होंगे कि ईटा और बीटा आपस में रिलेटेड होते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 1 - ईटा और डिवाइडेड बाई ईटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा। अब 1 - 1/10 और 1/10 तो किया जाएगा 9। बीटा की वैल्यू आ गई 9 और ये 9 उठा के यहाँ छाप दो तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 इज इक्वल टू 90 जूल हीट लिया होगा सोर्स से, सिंक से 90 जूल हीट लिया होगा, मतलब ए ऑप्शन सही है, क्लियर है। नेक्स्ट,